एवरीवन, मैं सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होता है, आप मुझसे पूछते हो कि मैंने अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराया है, स्ट्रेटनिंग कराया है, जो भी कराया है, मेरे बाल अच्छे कैसे हैं, बाल ख़राब नहीं हुए, बाल झड़े नहीं, बहुत सारे सवाल आप मुझसे पूछते रहते हो। तो इस वीडियो में आज आपको बहुत ज़रूरी, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी कि कैसा रहा। पहले मैंने बताया है लेकिन आप बहुत सवाल करते हो, तो उसमें बताऊंगी कौन सा चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको रिबॉन्डिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग एक ही है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराया है, रिबॉन्डिंग जो होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है और स्मूथनिंग जो है थोड़ा सा होता है, मतलब अलग क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। रिबॉन्डिंग जो होता है, आपके बाल जिस तरीके से आप बोलते हो उस तरीके से वैसा शेप जो है दिया जाता है, 100% जो है एकदम शेप में लाया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। और स्मूथनिंग जो है आपके बालों में 80-90% मतलब हीट दिया जाता है, 100% नहीं दिया जाता है, आपके बालों को 100% स्ट्रेट नहीं किया जाता है। रिबॉन्डिंग में 100% करते हैं और स्मूथनिंग में थोड़ा सा कम हीट देते हैं। तो अगर आप स्मूथनिंग कराना चाहते हो तो बिल्कुल कराएं, रिबॉन्डिंग भी लोग कराते हैं। स्मूथनिंग थोड़ा सा मतलब हीट कम आता है बालों में, तो जितना हीट कम लगे उतना आपके लिए अच्छा है, तो आप स्मूथनिंग हमेशा कराएं। मैंने स्मूथनिंग ही कराया है, तो जो मेरे बाल जिसने स्मूथनिंग किया है वो मेरे दीदी ने किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पार्लर में पूछा था कि रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग ये वो क्या क्या, सबने मुझे बोला था कि बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, वो सालों साल से करते आ रहे हैं लोगों का। तो मैंने दीदी से पूछा, उन्होंने बताया बाल बिल्कुल डैमेज होते हैं, बाल झड़ते हैं, बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, दूसरे लोग अपने कस्टमरों को झूठ बोल के काम चलाते हैं, झूठ बोल के ही पूरा दुनिया जो है बिजनेस कर रहा है, लेकिन मेरी दी तो मुझसे झूठ बोलेगी नहीं। तो उन्होंने बताया कि रिबॉन्डिंग जो है उसमें बाल ख़राब होते हैं, क्योंकि बालों को हीट देने से बाल डैमेज होते हैं। और कलर्ड बालों, मेरे बाल आपने देखा था, मैंने मेरा जो है हाईलाइट कराया था, कलर्ड बालों में और भी ज़्यादा खतरनाक होता है स्मूथनिंग, यानी हीट देना, स्मूथनिंग कराना, रिबॉन्डिंग कराना कलर बालों में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और भी बाल खराब हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बालों को रिबॉन्डिंग कराऊंगी, स्मूथनिंग कराऊंगी, मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, आप लोग भी देखते थे पहले के वीडियोज़ में। मैं जब गोवा गई थी, गोवा के बीचेस में जब मैंने समुद्र में नहाया, जब मेरे बालों में नमक लग गए ना, पूरा पानी, आपको पता है बीचेस का पानी कितना ख़राब होता है, सिर्फ नमक पानी है, एकदम ही नमक है। जब फर्स्ट टाइम नमक मेरे बालों में लगा, मेरे बाल इतने ख़राब हो गए कि मुझे मेरे बाल एकदम पसंद नहीं आते थे। पहले गोवा से पहले मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, और गोवा में जाते ही पानी लगते ही, गोवा के बीचेस का पानी लगते ही बाल इतने झाड़ जैसे हो गए, ऐसा लगता था कि मेरे सर पे कोई कांटा है, बाल नहीं है कांटा है, कांटा लेके मैं घूम रही हूँ। तो गोवा में मेरे बाल टोटली ख़राब हो चुके थे, तो वहाँ से आने के बाद मैं अपने बालों को स्मूथनिंग कराना चाहती थी, तो मेरी दीदी ने स्मूथनिंग किया, और उन्होंने जितना अदर पार्लर्स में सलोन में जो हीट देते हैं ना स्मूथनिंग के लिए, उन्होंने एकदम हीट को कम रखा है, बहुत ही कम रखा था, उनको डाउट था कि मेरा जो स्मूथनिंग है वो ख़त्म ना हो जाए, उन्होंने इतना कम हीट दिया था मेरे बालों में, बहुत कम, जहाँ पे 10% देना चाहिए वहाँ पे उन्होंने 6-5% मेरे बालों में हीट दिया था स्मूथनिंग के लिए। और वो बोल रही थी कि मैंने बहुत कम हीट दिया है, बाल जो है स्मूथनिंग फिर से वो पहले जैसा ना हो जाए, तो वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए मेरे बाल में बहुत 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 कम जो है हीट दिया गया था। अगर मैं दूसरे सैलून में जाके बोलती कि आप मेरे बालों में कम हीट दो, तो मुझे डायरेक्टली बोलते मैडम आपका स्मूथनिंग जो है पहले जैसा हो जाएगा, स्मूथनिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप बोलोगे आपने अच्छे से स्मूथ नहीं किया बालों को, आप मुझे ही गलत ठहराओगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें पता है कैसे स्मूथनिंग करना है, ये वो आपको बोल के भेज देते हैं, और बाल में जितना हीट देते हैं उतना ही देते, लेकिन अपना जो होता है वो अपना ही होता है। तो उन्होंने बहुत ही कम हीट दिया है मेरे बालों में,
और मेरे बाल जब स्मूथनिंग जब हुआ था उसके 3-4 दिन के बाद कुछ बालों में जो है पहले जैसा बाल जो है शेप में आने लगे, मतलब जैसे कि 100 में से 3-4 बाल जो है पहले जैसा होने लगे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देख सकते हो मेरे बाल एकदम स्मूथ जैसा आपको दिखता है। इतने सारे बालों में कम से कम 10-20 बालों ही मेरे पहले जैसा शेप में आ गए, क्योंकि उनमें हीट बहुत कम पड़ा था इसलिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको सलून में कहीं भी कुछ भी आप कर, आपको अपने बालों को स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग जो भी कराना है, तो आप कोशिश करें कि आपके बालों में बहुत ही कम हीट जाए। और आपको लगता है कि मेरे बाल जो है हीट के बाद हेयर फॉल नहीं हुए, स्मूथनिंग जब मैंने कराया मेरे बाल ख़राब नहीं हुए, अच्छे कैसे हैं, तो यही वजह है कि मेरे बालों में बहुत कम से कम हीट दिया गया है इसलिए मेरे बाल हेयर फॉल नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ था, थोड़ा सा, जब मैंने स्मूथनिंग कराया था उसके 1 से 2 हफ्ते तक मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल महसूस हुआ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने मोरक्कन आर्गन ऑयल का शैम्पू यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया, और सबसे पहला जो है आपको अपने बालों को मेंटेन करने के लिए आपको स्पा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। हेयर मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहते हो, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग एक ही है, स्मूथनिंग के बाद जो है बाल खराब होने लगते हैं हीट की वजह से। तो आपको केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पा आपको हर 15 से 20 दिन में करना है, ऑयलिंग करना है, बालों को मसाज करना है, बालों में हेयर मास्क लगाना है, अच्छा शैम्पू यूज़ करना है। इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना होगा, और खान पान में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बालों में ज़्यादा हीट जाने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, लोग पछताने लगते हैं, लोग एकदम ही पछताने लगते हैं अपने बालों में स्मूथनिंग कराने के बाद। तो आप ध्यान रखें जहाँ पे भी आप स्मूथनिंग कराएं, थोड़े से कम हीट में उनको रिक्वेस्ट करें आपके बालों को बहुत ही कम हीट दे। आप देख सकते हो पहले मेरे बाल कैसे थे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरे बालों में स्मूथनिंग नहीं हुआ है, हुआ है लेकिन बहुत ही कम लेवल पे हुआ है, क्योंकि घर का ही बंदा किया है इसलिए बहुत अच्छे से कोशिश किया है दीदी ने कि बाल बिल्कुल भी खराब ना हो। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत शलत नहीं हुआ जो आप लोगों के साथ भयानक सा एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मेरे बाल झड़े नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और 1 साल हो गया मुझे स्मूथनिंग कराए हुए, तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने बालों को मेंटेन करने के लिए ऑयलिंग करती हूँ, मसाज करती हूँ, मास्क लगाती हूँ, अच्छे शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो इसी से आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के बाद बाल झड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि उन्होंने अच्छे से रिबॉन्डिंग नहीं किया, अच्छे से क्रीम यूज़ नहीं किया, अच्छे से कुछ नहीं, सिर्फ हीट लगा है, आपके बालों में हीट गया है इसलिए आपके बाल खराब हुए हैं। इस बात का ध्यान रखें, हीट आपके बालों में नहीं जा पाए, उससे बाल तहस नहस हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने बालों को अच्छे से रखना है तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट यानी शैम्पू कंडीशनर ये सब यूज़ करके आप अपने बालों को अच्छा रखें, हेल्दी रखें, स्मूथ रखें, ना कि सिर्फ स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करा करा के अपने बालों को अच्छा रखें, ऐसा ना करें। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बालों को स्मूथनिंग कराऊंगी, कभी कभी नहीं, लेकिन गोवा के पानी ने मेरे बालों को कांटा बना दिया और मैं कांटा जैसे बालों को लेकर नहीं घूम सकती। मेरे बालों ऐसे हो गए थे छूने से, मतलब एकदम गंदा लगता था, जाने से पहले तक मेरे बाल बहुत बहुत अच्छे लगते थे, छूने से बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन वहाँ के, अगर आप कभी गोवा जाओ तो बीचेस के पानी में नहाओ, जरूर नहाओ, लेकिन अपने बालों को मत भिगाना, गलती से भी मत भिगाना, आपके बाल एकदम झाड़ जैसे हो जाएंगे, याद रखना। तो यही था कुछ स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल बटन को भी हिट कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।